हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैट्रिमोनी में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, केआरके अंकल, जी हाँ दोस्तों, केआरके अंकल ने अभी एक ट्वीट्स किया है और मैंने पढ़ा वो ट्वीट्स को। दोस्तों आपको पता ही है, ट्रिपल आर, जी हाँ दोस्तों, ट्रिपल आर मूवी ने पूरे भारत का नाम रोशन किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खासकर तेलुगु इंडस्ट्रीज, जी हाँ दोस्तों, उस इंडस्ट्रीज का नाम रोशन किया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ तक कि ऑस्कर में चली गई ट्रिपल आर की, तो जाहिर सी बात है दोस्तों नाम रोशन तो हो गई। खैर, हम बातें करेंगे केआरके अंकल का ट्वीट्स, उन्होंने जो किया है उसको मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इंग्लिश में किया दोस्तों, और इंग्लिश में मैं थोड़ा सा कमज़ोर हूँ। दोस्तों उन्होंने लिखा है कि SS राजामौली एक बहुत स्मार्ट पर्सन, जी हाँ दोस्तों, क्लियर पर्सन बोल सकते हैं। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि रिलीज़ से पहले उन्होंने RR मूवी को बताया कि ये एक पैन इंडिया मूवी है, और पूरी पैन इंडिया, जैसे कि आपको पता ही है, तेलुगु, मलयालम, कन्नडा, तमिल, हिंदी, जी हाँ दोस्तों, उसको पैन इंडिया बोलते हैं। तो उनका कहने का मतलब है कि जब ये मूवी रिलीज नहीं हुई थी, रिलीज़ से पहले ये इनको पैन इंडिया बोलते थे। जब रिलीज हो गई और मूवी अच्छी खासी धमाका कर चुकी, यहाँ तक कि ऑस्कर में चली गई, उसके बाद वो बोलते हैं कि इट इज़ नो हिंदी मूवी, इज तेलुगु मूवी, उनका एक बयान आया था, आपको पता ही है। तो खैर, आपको बता दूं कि इसमें कोई दो राय नहीं। अगर उन्होंने कहा था कि ये हिंदी मूवी नहीं है, तेलुगु मूवी है, तो उन्होंने सच ही कहा था, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ट्रिपल आर अगर मूवी की बात करें तो फर्स्ट नंबर हम उसको तेलुगु इंडस्ट्रीज़ की मूवी बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि हिंदी सिनेमा है, जी हाँ दोस्तों। हालाँकि इंडियन सिनेमा बोल सकते हैं, हिंदी सिनेमा तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि वो तेलुगु मूवी थी, उसके बाद डब होकर हिंदी में आई, तेलुगु, तमिल में आई, मलयालम में आई, कन्नड़ा में आई, तो इस मूवी को हम तेलुगु प्रॉपर से बोल सकते हैं। हाँ, ये नहीं, अभी ये वो बोलते हैं कि नहीं ये इंडियन मूवी नहीं, एक तेलुगु मूवी है, तो ये रॉन्ग हो जाता, क्योंकि इंडियन मूवी तो बोल ही सकते हैं ना। अगर वो नहीं बोलते कि ये इंडियन नहीं, ये एक तेलुगु मूवी है, तो वो चीज़ को मैं रॉन्ग मान सकता था। मैं क्या यार, सारे जन उसको रॉन्ग मानते हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये हिंदी नहीं, ये तेलुगु मूवी है, जी हाँ दोस्तों, इसमें रॉन्ग होने की कोई बात नहीं है। तो केआरके अंकल, थोड़ा सोच समझ के ट्वीट्स क्या करो यार, समझे ना, कुछ भी आप ट्वीट्स कर देते हो, जब मन में आता है, जो दिमाग में आता है ना आपको, वो ट्वीट कर ही देते हो अब। तो दोस्तों ट्रिपल आर रिलीज भी हुई है, सभी को पता है, USA में 200 स्क्रीन पे रिलीज की जा रही है, कल फ्राइडे है। तो दोस्तों ट्रिपल आर एक ऐसी मूवी बन गई है कि ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, ये पूरी वर्ल्ड में ये मूवी का नाम हो गया है दोस्तों, पूरी वर्ल्ड जानती है ट्रिपल आर मूवी को। और ट्रिपल आर मूवी की बात करें तो यार, वो मूवी अलग थी दोस्तों, जिस तरीके से उन्होंने बनाया था ना यार, सल्यूट है। हालांकि ये स्टोरी सिंपल सी थी, लेकिन उन्होंने जो जिस तरीके से 2-3 घंटे की एक मूवी बनाया ना यार, प्रेजेंट जो होता ना, प्रेजेंट करना, क्या सुपर तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया था यार, मतलब कि देखने वाले ना देखते रह जाते हैं। हालांकि मैं इस मूवी को 3 बार देखा था, 3D में देखा था, क्या मज़ा आया था यार। आज भी अगर रिलीज होती है ना हिंदी में, हिंदुस्तान में, तो यार मैं वापस से इस मूवी को देखूंगा, सच्ची बोल रहा हूँ। तो दोस्तों बस इतना ही, हमारे SS राजामौली जो कि बहुत लेजेंड डायरेक्टर है दोस्तों, उन्होंने यार बाहुबली, मगधीरा जैसी, मक्खी जैसी मूवी बनाई है यार। अब केआरके अंकल का काम ही है यार ट्रोल करना, वो कोई भी इंडस्ट्रीज को क्या मन में आता है, उनको कुछ भी ट्रोल करने लगते हैं यार। खैर जो भी है दोस्तों, बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वो जो बेल आइकन का घंटा है दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।